Hello everyone. Now let us do past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense में identification आपकी ये रहेगी से रहा था, से रहे थे, से रही थी. तो formation देखिए इसमें हमारी क्या रहेगी. Subject plus had been plus verb's first form plus ing plus op. आपका time भी given हो सकता है वहाँ पे. Then the remaining part. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी साइन ऑफ इंटरोगेशन इन द इंटरोगेटिव. सी फ्रॉम हियर द फॉर्मेशन. आई हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन. आई हैड नॉट बीन वॉचिंग द टेलीविजन. हैड आई बीन वॉचिंग टेलीविजन. वी हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन. वी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टेलीविजन. Had we watching the television? Second, you had been watching television. You had not been watching television. Had we been watching television? He had been watching television. He had not been watching television. Had he been watching television? Mainly बेटा जो आपका ये rule है इसी को follow किया गया है. तो आपका main work क्या रहेगा, एक तो आपको identification पता होनी चाहिए, second thing जो rules हैं, और third कि हम इसको कहाँ कहाँ पर use कर सकते हैं. और जो ये हमारा टेंस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, हम सिंस और फोर का भी यूज़ करते हैं. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. नाउ लेट अस सी द यूजेस वेयर वी कैन यूज दिस. यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे. फॉर एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. फॉर एन एक्शन, उस एक्शन के लिए, दैट अकर्ड, जो हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी टाइम पर वो हुआ था. ही हैड बीन प्लेइंग कीबोर्ड इन अ जैज बैंड. ही हैड बीन प्लेइंग कीबोर्ड, वो काफ़ी टाइम से मतलब जैज बोर्ड में कीबोर्ड को प्ले करता आ रहा था काफ़ी टाइम से. मतलब टाइम वहाँ पे नॉर्मली गिवन ही होता है, यहाँ पे भी आप देखिए सेंस बनेगी उसकी. ही हैड बीन प्लेइंग keyboard in a jazz band. The family had been living in a council house for many years. Duration के लिए for का use किया जाता है. जो family है, जो council hall है, house है, वहाँ पर बहुत लंबे time से रह रही थी. For many years, काफ़ी सालों से. For an action which started and finished in the past before another past action. फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए, विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, जो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया इन द पास्ट, पास्ट में. बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन से पहले. वर्ड्स सच एज सिंस एंड फॉर मे बी यूज. सिंस और फॉर का यूज़ किया जा सकता है. वी हैड बीन वेटिंग लॉन्ग व्हेन अ वेट्रेस केम अप टू अस. हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जो वेट्रेस आई हमारे पास. जतिन गॉट अ जॉब एट लास्ट. ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट ईयर. जतिन को जॉब मिल गई. ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, वो जॉब के लिए देख रहा था लास्ट ईयर से, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली उसने मेंशन कर दिया, सो वी विल यूज सिंस. द थ्री ऑफ अस हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स सो वी टुक अ ब्रेक. कहते हैं कि थ्री ऑफ अस, हम तीनों, हैड बीन स्टडिंग फोर आवर्स, कई घंटों से पढ़ रहे थे. सो वी टुक अ ब्रेक, सो हमने एक ब्रेक ले लिया. दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. बेटा इन एवरी टेंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड द आइडेंटिफिकेशन, देन यू हैव टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, मेन रूल्स क्या हैं उसके, एंड वेयर यू आर गोइंग टू यूज दैट टेंस. जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के यहाँ पे यूजेस बताए हैं, हर एक टेंस के आपको बताए गए हैं. दैट यू विल लर्न, इट विल बी ईजी फॉर यू दैन टू डू ऑल दिस थिंग, एंड यू आर गोइंग टू सोल्व द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस टेंस इन योर ग्रामर बुक. एंड दिस इज स्टिल पेज नंबर 96. आई होप यू गेट ऑल दिस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.